बोले मैं नाम विनोद शर्मा, संस्कृत शिक्षक, फूड वाइन वाटर स्कूल अलमपट्टी दरभंगा से। सप्तम वर्ग के बच्चों को वीडियो के माध्यम से कुछ शिक्षा दे रहा हूँ अभी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत। तो मैं चौथा पाठ संस्कृत में वर्ग पाठ फोर 24/4 को वीडियो में भेजा था। 24 या 25 को देख लीजिएगा, 24 या 25 का वीडियो स्कूल से मांग कर अपना देखिएगा। उसी का है यह प्रश्न उत्तर, उसमें हमें डिटेल्स पढ़ा दिए, एक एक लाइन संस्कृत और एक एक लाइन उसका हिंदी बता दिए, उसी का यह प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है उचित मेलनम कुरुत, मैच द फॉलोइंग। करता है सा, इसके साथ गलत दिया हुआ है, इसके साथ जो सही होगा उचित होगा उसको मैच करना है, मिलाना है। तो सा के सामने में कदा बाल के भी भोजनम अयच्छम, यह नहीं होकर इसके साथ में सही उत्तर होगा कदा विद्यालयम अगच्छत। दूसरा है ते, ते के सामने में है कदा विद्यालयम अगच्छत। दीजिए ते मीन्स होता है वे सब वे लोग। ते बलकल कंदुकम व खेलन, बलकल कंदुक कहते हैं क्रिकेट के खेल को। ते मन हुए सब बलकल कंदुकम व खेलन सही उत्तर होगा। तीसरा है छात्रों, छात्रों विद्यालय और तिष्ठताओं, यह सही उत्तर होगा विद्यालय और तिष्ठताओं। इसके सामने में है सौपाठम नो स्मरण, यह नहीं होगा, उसके सामने में होगा विद्यालय और तिष्ठताओं। चौथा है युवाम, युवाम के सामने है विद्यालय और तिष्ठताम, वह नहीं होगा कदा बालकेभ्य भोजनम अयच्छम। और पांचवा है अहम, अहम के साथ होगा सौपाठम नु स्मरम, लेकिन इसके सामने में है बलकल कंदुकम। तो जो उल्टा पुल्टा है उसको सही रूप में क्रमबद्ध देना है, क्योंकि हमारा प्रश्न ही है कि मैच द फॉलोइंग, सही रूप में इसका मिलान करें। दूसरा प्रश्न है कि निर्देशानुसार वचनम परिवर्तयत, चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टिव। अहम विद्यालय व गच्छम, इसका द्विवचन होगा, अहम का द्विवचन में हो जाएगा आवाम, विद्यालय का विद्यालय ही रह जाएगा और अगच्छम का अगच्छावा हो जाएगा, क्योंकि द्विवचन में देना है। दूसरा है आवाम मनोहरम गीतम स्मराम, इसका भी बहुवचन देना है, आवाम का बहुवचन हो जाएगा वयम मनोहरम गीतम स्मराम। तीसरा है अहम पुस्तकम गृहम अनयम, इसका है बहुवचन देना, वयम पुस्तकम गृहम अनयम। चौथा है वयम असत्यम नो वदामो, इसका एक वचन देना है, वयम का एक वचन हो जाएगा अहम असत्यम नो अवदम। और पांचवा है वयम उद्याने और क्रीडामो, आवाम उद्याने और क्रीडम, ये दो प्रश्न हो गया। और आगे प्रश्न है उसको नीचे में लिख रहा हूँ। निम्नलिखित वाक्यों उचित क्रमेण लिखत, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन राइट ऑर्डर। इसमें कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है, कर्म कहीं है आपके प्रश्न में, इसको क्रमबद्ध लिखना है, पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब फर्ब। इसमें है कि त्वम, पहला है निर्धनाय अयच्छम अहम वस्त्रम, अहम यहाँ है, यहाँ दीजिएगा अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, पहले कर्ता तब कर्म तब क्रिया। दूसरा भी ख नंबर में भी उसी प्रकार से है, त्वम आगच्छ कदा विद्यालयम, त्वम कर्ता अपने जगह पर है, त्वम को कर्ता ले आए, आगच्छ क्रिया है, विद्यालयम कर्म है, तो कदा विद्यालयम कदा आगच्छ। तीसरा है युद्धम सदा अयजत इयम, इयम बाद में है, इसको पहले लाना है, इयम युद्धम सदा अयजत। चौथा है भारतस्य वयम आस्म ऋषिया, वयम भारत तस्य ऋषिया आस्म। पचमा है क्षत्राणि प्रातः आवाम अगच्छाव, आवाम क्षत्राणि प्रातः अगच्छाव, यानी इसको क्रमबद्ध लिखना है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और अंत में भर। लेकिन आपके प्रश्न में यत्र तत्र है, कहीं क्रिया कहीं कर्ता कहीं, उसको क्रमबद्ध लिखना है।
राइट ऑर्डर में लिखना है, सही रूप में लिखना है। तब दूसरा प्रश्न है भाषा अवबोधन से, निम्नलिखित तानाम धातुनाम लंग लकारस उत्तम पुरुष रूपाणी लिखा, निम्नलिखित धातुओं का उत्तम पुरुष में के लंग लकार में रूप लिखें। पहला है कथ, एक वचन में हो जाएगा औकथियम, द्वि वचन में हो जाएगा औकथियाव और बहुवचन में हो जाएगा औकथियाम। दूसरा है भ्रम, भ्रमम अभ्रमाव अभ्रमाव। तीसरा है नृत्य, अनृत्यम अनृत्याव अनृत्याम। घ नंबर में है अस, आसमो आसब आसमो, यह लंग लकार उत्तम पुरुष का रूप हुआ। चार धातु है, चारों का सिर्फ उत्तम पुरुष में बनती थी। दूसरा प्रश्न है कि लंग लकारस उचित धातु रूप है रिक्त स्थानानी पुरियत, लंग लकार के क्रिया का प्रयोग करते हुए इसमें जो सही उत्तर होगा, सही क्रिया होगा, उसको लिखना है। पहला है अहम वृद्धम नरम, अहम के साथ अमी लगता है, अम लगता है, यहाँ हो जाएगा अनमम अनमम। दूसरा है वयम कविताम अस्मरम, वयम अस्मरम, इसमें इसको यहाँ भरना है। तीसरा है आवाम उद्याने, आवाम उद्याने अभ्रवाम, इसको देना है। और चौथा में अहम रात्रो गृह कार्यम अकर्वम, इसको देना है। यह तीन क्रिया है अहम के साथ वम, आवाम के साथ आव और वयम के साथ अम। यह लंग लकार का क्रिया है, लंग लकार के क्रिया को चूज करके उसको लिखना है बस। तीसरा है पद परिचयम कुरुत, पद परिचय दीजिए, क्रिया दिया हुआ है, इसका धातु क्या होगा, कौन लकार है, कौन पुरुष है, कौन वचन है। पहला है अकरोह, इसका धातु हो जाएगा क्री, लकार हो जाएगा लंग लकार, पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष, वचन में हो जाएगा एक वचन। दूसरा है और नमतम, इसका क्रिया धातु हो जाएगा नम, लकार हो जाएगा लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। और पठम, इसका धातु हो जाएगा पठ, लकार में हो जाएगा लंग लकार, पुरुष में हो जाएगा उत्तम पुरुष, वचन में हो जाएगा एक वचन। चौथा है अक्रीडत, इसका धातु हो जाएगा क्रीड, क्रीड मीन्स होता है खेलना, लंग लकार प्रथम पुरुष, एक वचन। एक और प्रश्न बचा है संस्कृत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। चौथा प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। पहला है कि हम दोनों अतुल के घर गए, आवाम अतुलस्य गृहम अगच्छाव। दूसरा है मैंने पाठ याद किया, अहम पाठम अस्मरमम। तीसरा है मैंने लाल किला देखा, अहम रक्त दुर्गम, लाल किला का होता है रक्त दुर्ग अपश्यम। चौथा है कि हम दोनों ने पिता को देखा, आवाम पित्रम अपश्याम। तो पांचवा है हम दोनों उद्यान में खेले, हम दोनों उद्यान में अनेकानुठी के लिए खेले, आवाम उद्याने अक्रीडाव। यह पांच अनुवाद है, हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में भी आवे, फर्स्ट टेस्ट में आवे, इसको बारीकी से देखिएगा। इसी पाठ से जुड़ा हुआ कुछ संधि विच्छेद है, जैसे विद्यालयम विद्या जोर आलयम, पुस्तकालय पुस्तक जोर आलय, पर्वतारोहणाय पर्वत जोर आरोहणाय, और अंतिम है दिवसोत्सव दिवस जोर उत्सव। ये पाँच छः प्रश्न हैं, चार पाठ तक में पीटी फर्स्ट का एग्जाम होगा, इसी से मैंने प्रश्न दिया है, चार पाठ तक में प्रश्न देख लीजिएगा। जिन बच्चों को जो कठिनाई होगा हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। इस पाठ का वीडियो 24/4 या 25/4 के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, आपका चार पाठ खत्म हो गया। जिन बच्चों को जो पूछना होगा हमारा मोबाइल नंबर नीचे है, उस पर आप किसी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। सप्तम के बच्चे सभी बच्चे हमसे अवगत हैं, जहाँ जिसको जिस वक्त प्रॉब्लम होगा हमसे पूछकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।